राम कपूर एक बार फिर टीवी पर लौट रहे हैं, इस बार एक सीरियस शो के साथ जिसका नाम है जिंदगी के क्रॉसवर्ड। जिंदगी के क्रॉसवर्ड अपनी तरह का एक अलग शो है। राम इसका हिस्सा बनकर बेहद एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। भारतीय टीवी पर आने वाला ये अपनी तरह का पहला शो होगा। इसमें कल्पना की मुलाकात जिंदगी में आने वाली सच्ची घटनाओं और त्रासदी से होगी। वही जैसे मैंने स्टेज पे कहा, जब हम सब स्टेज पे थे, पूरी तरह से कन्विंस था मैं कि मैं नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता अगर डेट के प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही मैंने शबीना से कॉन्सेप्ट सुना, विद इन 5 or 10 minutes आई सेड वी हैव टू डू दिस। और ऐसे ऐसे मौके कम आते हैं, सो व्हेन दे कम यू हैव टू ग्रैब इट। तो दिस शो कैन मेक अ डिफरेंस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है, तो ऑब्वियसली लेना पड़ा। इसमें ऐसे मोड़ भी आएंगे जहाँ फैसला करना ऐसा होगा जैसे खाई और कुएं के बीच किसी एक का चुनाव। राम बताते हैं कि हम किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। हम किसी को ज्ञान नहीं देना चाहते या प्रीचिंग नहीं करना चाहते कि ऐसा करो। हम चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर लोग चर्चा करें, डिस्कशंस करें, अपने अपने राय पेश करें और थोड़ा बहुत सोचें। दैट इज़ द मोटिव ऑफ द शो। ये नहीं कि भाई हर चीज़ का सोल्यूशन, हम नहीं कह रहे कि हम लोगों को सोल्यूशन पता है सब चीज़ का, नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए लोग थोड़ा सा सोचें उन मामलों में जहाँ पर अभी तक शायद नहीं सोचा है। दैट्स इट। आवर जॉब इज़ नॉट टू गिव सोल्यूशंस, आवर जॉब इज़ जस्ट टू हैव डिस्कशंस एंड मेक पीपल थिंक। शो सलमान खान के शो 10 का दम के साथ आ रहा है। राम का शो जहां सप्ताह में 3 दिन आएगा, वहीं सप्ताह के आखिरी 2 दिन सलमान 10 का दम लेकर हाजिर होंगे। टीआरपी को लेकर सलमान से तुलना किए जाने पर राम कहते हैं कि सलमान से खुद की तुलना करने से पहले खुद को गोली मार लूंगा। अगर मैं कभी भी अपने आप को सलमान खान के साथ कंपेयर करूंगा या उसको अपना कॉम्पिटिशन मानूंगा, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, है ना। एक तो ये बात हुई, वो सलमान खान है यार। बट सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, घर एक मंदिर हो या बड़े अच्छे लगते हो, यस दैट शो वॉज लिटिल बिट ऑन आर शोल्डर्स एज इन द लीड पेयर। ये शो, दिस शो इज बिगर देन एनी ऑफ अस। इट्स बिगर देन मी, इट्स बिगर देन दानिश, इज बिगर देन शबीना। ये शो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। एंड मेरी जो ऑडियंस है, उनको मैंने हंसाया है, उनको एंटरटेन किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग विच इज गोइंग टू मेक देम थिंक, होपफुली। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दैट। राम कपूर को आखिरी बार टीवी पर सीरियल दिल की बातें दिल ही जाने में देखा गया था। एकता कपूर के प्रोडक्शन में बने सीरियल कसम से राम कपूर को फेम हासिल हुआ है। टीवी की दिग्गज अभिनेत्री साक्षी तंवर के साथ उनके सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।